हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं केपीएल, यानी कि अभी आप देखोगे तो इसका नाम जो है केएससीए T20 लीग जो हो गया है, जो कि स्टार्ट होने वाला है 15 अगस्त से और ये चलेगा आपको 1 सितंबर के बीच में, यानी कि 16 दिन का जो है टाइम रहेगा। और इस बीच में आपको 33 मैचेज जो है वो देखने को मिलेंगे। ये जो है ओल्ड केपीएल है, जिसका नाम जो है 2022 में चेंज करके आपको जो है महाराजा ट्रॉफी KSCA जो है वो रख दिया गया। KSCA जो है आपको पता होगा कि कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन जो है आपको ये देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके के मैचेस हो सकता है जो लास्ट दो एडिशन में हमें जो है देखने को मिलेगा 2022 2023 में, तो मैचेस जो है काफ़ी अच्छे हो रहे थे। लेकिन उससे पहले जब KPL के नाम से मैचेज हो रहा था ना, तब आप देखो कि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे जैसे TNPL मैचेज होता है ना, उस तरीके के जो है मैचेज यहाँ पे हो रहे थे। लेकिन अभी जो है ना पिछले कुछ सालों में जैसे ये मैचेज जो है आपको देखने मिलेगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो होने लगा है, क्योंकि मैचेज अभी भी जो है ना वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे आपको देखने को मिलता है। तो किस तरीके से मैचेज हो सकता है, पूरा लीग कैसा रहने वाला है, और टोटल 33 मैचेज है और वो भी जो है आपको 16 दिन में जो है देखने को मिलेगा, यानी कि हर दिन जो है आपको 2 मैचेज देखने को मिलेगा। और ये 2 मैचेज बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकते हैं, और इस बीच में कोई दो ज़्यादा लीग भी जो आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि द 100 है जो कि अभी जो है वो आपको एंड होने वाला है और इसके बाद जो है आपको KPL जो है वो रह जाएगा। तो किस तरीके का मैचेज होगा यहाँ पे, कैसा होगा, इसको जो हम लोग डिटेल्स में जो है चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे एक एक करके कैसा जो है मैसेज रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे KSCA T20 का, तो ये जो है आप देखोगे ये वाला जो है आप इग्नोर कर देते, यहाँ पे देखोगे 33 मैचेज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सितंबर जो है 1 तारीख तक मैचेज होगा, 15 अगस्त से जो है शुरू हो रहा है। और टाइमिंग जो है, जो पहला मैच है वो आपको 3 बजे से देखने को मिलेगा, जो दूसरा है वो 7 बजे से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखोगे तो आपको देने मिलेगा कि 4 घंटे का जो है टाइम है इस बीच में, और ऑलमोस्ट 3 सवा 3 घंटे जो है मैचेस चलता है, उससे ज़्यादा जो है कोई भी लंबा मैचेस T20 का नहीं चलता है। सारे के सारे मैचेस जो है आपको चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु पे जो है देखने को मिलेंगे, जिसका पिच रिकॉर्ड जो हम लोग जल्दी अपलोड करने वाले हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हो और बहुत ही डिटेल्स में जो हम लोग चर्चा करेंगे। लाइव जो है इसे फैन कोड पर जो है वो देख सकते हो, और यही पे जो है आपको पिछले 3 सालों से लाइव आते हुए नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कि अभी तक जो है मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हैं कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से आप लोग उठा सको, ये जो व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पर जुड़ जाना है, साथ में टेलीग्राम जुड़ जाना है कॉल वीडियो सर्च करके, और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इस रिलेटेड सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएगा, और ये चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं टीम का, तो टोटल जो है ना 6 टीम आपको देखने को मिलेगा, जो कि फर्स्ट एडिशन से ही आपको ये देखने को मिल रहा है। अब इनमें से देखोगे तो आपको जो है गुलबर्गा मैजेस्टिक्स है, इसके अलावा जो आप देखोगे तो मैसूर वारियर, बेंगलुरु ब्लास्टर, हबली टाइगर्स, मैंगलोर ड्रैगन्स और शिवमोगा लायंस। अब इसमें से देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसी टीमें हैं जो कि आपको KPL में जो है सेम नाम से थी, जैसे बेंगलुरु ब्लास्टर हो गया, हबली हो गया, शिवमोगा हो गया या मैसूर वारियर हो गया, तो ये सेम नाम से जो आपको KPL में भी हुआ करते थे, और एक दो नाम जो है वो आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, बाकी जो है वो ऑलमोस्ट जो है आपको सेम ही टीम है और उसी फॉर्मेट में जो आपको यहाँ पे मैचेज होते हुए नजर आएगा। तो ये जो है वो 6 टीमें हैं। अब बात करते हैं कि जो अभी तक जो टीम है उनके कैप्टन कौन कौन से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो इस साल के कैप्टन रहने वाले हैं, जैसे गुलबर्गा का देवदत्त पाडिकल वरुण जरूर जानते हो, हबली टाइगर्स का जो है मनीष पांडे, और यहाँ आप देखो तो बेंगलुरु ब्लास्टर का तो आपको मयंक अग्रवाल, और मैंगलुरु ड्रैगन्स की बात करते हैं तो कृपना के गौतम के नाम से जो आप जानते होंगे, मैसूरू वारियर का जो है करुण नायर, और शिमोगा लायंस का जो है सुरेश गोपाल। तो ये जो है इनके कैप्टन हैं जो कि इंडिया में भी जो है वो सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट खेल चुके हैं, और IPL में जो है इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जानते होंगे, जिन्होंने जो है एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अगर कृष्णप्पा गौतम को जो हम लोग एक बार थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो। वेन्यू की बात करते हैं तो एक ही वेन्यू है जहाँ पे 33 मैचेज जो है आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस वेन्यू पे अगर आपने बेंगलुरु के बारे में जाना हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से रन बनता है, बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड भी होता है, और कभी कभी ये पिच वो है बहुत ज़्यादा बैटिंग बिहेवियर कर देता है, और कभी कभी आप देखोगे ये जो है ना आपको एक तरह से बॉलिंग की तरफ जो है नज़र लेके जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि कैसा जो है डोमेस्टिक में अभी तक रहा है और किस तरीके से रह सकता है, इसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अब बात करते हैं मोस्ट सक्सेसफुल टीम का, तो अभी आप देखोगे ना तो 2 टीमें जो हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही है, क्योंकि 2 ही एडिशन हुआ है जिनमें से है गुलबर्गा मैजेस्टिक और एक जो है वो हबली टाइगर, तो ये 2 टीमें हैं जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म की है, और दोनों जो है काफ़ी सक्सेसफुल टीमें जो है वो अभी तक जो है वो रही है इस सीरीज में। तो ये जो है 2 टीमें हैं जिनको जो है आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगर हम टीम्स की कि कौन जो है किस तरीके का टीम आपको देने लगा, तो पंटर टीम की बात करते हैं तो गुलबर्गा और हबली टाइगर्स जो है ये पंटर टीम में रहता है, क्योंकि इनके मैचेस भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है ना इनके मैचेस काफ़ी अच्छे तरीके से रेट देखे जाता है, काफ़ी तरीके से रन बनता है, और एक अच्छा परफॉर्मेंस जो आपको यहाँ पे देते हुए दोनों टीमें जो है ये नज़र आती है। अब बात करते हैं बुकी टीमों में, शिवमोगा और मैंगलोर की ड्रैगन्स जो है आप बुकी टीम में लिंक चल सकते हो, क्योंकि ये टीमें जिनके साथ भी खेलती है जल्दी से जो है रेट नहीं मिलता है और उल्टा जो है वो जाता है, और यहाँ पे
जो केपीएल है, केपीएल में आप जो है ये बहुत सारी चीज़ें देखोगे, इवन आप टीएनपीएल में जो है बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, तो वैसे ही जो मैचेज होंगे जो कि बिल्कुल बुकिंग मैचेज की तरह जो है वो होती है, वो आपको हो सकता है कि 8 पैसे 10 पैसे का जो है जैकपॉट दे दे, और जिस तरीके का मैचेज होगा वो जो है आपको देखने को मिलेगा, जो पूरा मैचेज हम लोग करेंगे, क्योंकि आपको जो है पता है कि वोमेंस वाले में 100 का और मेंस वाले में बहुत अच्छे तरीके से जो है जैकपॉट पकड़ा है, बहुत सारे लोगों को जो है जैकपॉट का प्रॉफिट अच्छे तरीके से हुआ है। अब घोड़ा टीम की बात करते हैं, यहाँ पे तो बेंगलुरु ब्लास्टर और मैसूर वारियर, ये दो जो है घोड़ा टीम की तरह जो है काम करेंगे, और ये वो टीम है जो आपको देखोगे 30 पैसा 20 पैसा लगने के बाद जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको देते हुए नजर आएंगे। और ये केवल इस साल नहीं, ये पिछले 2 सालों से जो है ये होते हुए आ रहे हैं, जब केपीएल होता था तो भी जो ऐसे बहुत सारे मैचेज होते थे कि लोगों को लगता था कि बिल्कुल ये जो है मैचेज उड़ेगा ही नहीं, और वहाँ से 5 पैसे 10 पैसे जो है ये मैचेज उड़ जाते हैं, तो कुछ इस तरीके का जो है मैचेज होगा। आप देखोगे मैचेज ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि खेलने वाले मैचेज नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैसेज होगा तो आप देखोगे कि बहुत अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट बना के यहाँ से निकलोगे। अब बात करते हैं कि वर्क का किस तरीके से हम लोग का काम जो है यहाँ पर रहने वाला है, तो स्टेट विनर जो कि आपको जो है वो दिया जाएगा, जो कि हर मैच में दिया जाता है, 5 से 6 से जो है सेशन यहाँ पर कराया जाएगा केपीएल में, इसके अलावा एंट्री जो है वो आपको हर मैच का मिलता है, ट्रेड जो है वो हर मैच का मिलेगा, और जैकपॉट कॉल जो भी मैच जो है जैकपॉट होने वाला है उसका जैकपॉट कॉल जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है, और इवन अगर 7-8 जैकपॉट मैचेज होता है 5-6 जैकपॉट मैचेज बहुत अच्छे तरीके से जो है पकड़ लोगे, अगर आप रोज के रोज जो हो खेलते हो, चाहे वो टेलीग्राम पे हो या फिर व्हाट्सएप पे हो, वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो हो मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक भी आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हैं कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से आप प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है, साथ में टेलीग्राम भी जुड़ना कॉल प्लेयर सर्च करके, और आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और ये चीज़ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मिलता है फिर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।